लखनऊ से ही बड़ी खबर आ रही है, कुंभ घोटाले की जांच करेगा एलडीए। एलडीए सचिव की अध्यक्षता में होगी घोटाले की जांच, चार इंजीनियरों की टीम करेगी घोटाले की जांच। 2019 के कुंभ मेले में हुआ था बड़ा घोटाला, मुख्य अभियंता समेत पांच इंजीनियरों पर है भ्रष्टाचार के आरोप। निर्माण का रेल बता दें कि लाइटिंग के कामों में हुआ था बड़ा घोटाला, जिसके बाद अब इस मामले की जांच पड़ताल होगी। कुंभ घोटाले की जांच करेगा एलडीए। एलडीए सचिव की अध्यक्षता में घोटाले की जांच होगी, चार इंजीनियरों की टीम करेगी घोटाले की जांच। वहीं 2019 के कुंभ मेले में बड़ा घोटाला हुआ था, जिसके बाद लगातार विपक्ष भी सत्ता पर हमला बोलता हुआ नजर आया और अभी तक सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में अब एलडीए के सचिव की अध्यक्षता में घोटाले की जांच होगी, मुख्य अभियंता समेत पांच इंजीनियरों पर है भ्रष्टाचार के आरोप। निर्माण कार्य लाइटिंग के कामों में बड़ा घोटाला हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार को खत्म होने के बावजूद इसके भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नरेंद्र यादव जुड़ गए। नरेंद्र, कुंभ के मेले में जो घोटाला हुआ था लाइटिंग को लेकर या निर्माण कार्य को लेकर, अब इसकी जो जांच है एलडीए सचिव की अध्यक्षता में होगी, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, ये लंबे समय से जांच की मांग की जा रही थी। इस मामले को हाई कोर्ट में भी ने भी संज्ञान में लिया था और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया था, जिसको लेकर जांच प्रयागराज से ट्रांसफर की जा रही है। इसकी जांच एलडीए करेगा, जिसमें पांच आरोपी हैं जिन्हें मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया है। जांच में और आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। इसमें प्रयागराज कुंभ में जो 2018-19 में महाकुंभ हुआ था, इसको लेकर लाइटिंग का काम हुआ था, विकास की तमाम परियोजनाएं वहां पे चलाई गई थी और तमाम काम जो कराए गए थे, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था, जिसको देखते हुए ये जांच की जा रही है। एलडीए के जो सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें कई इंजीनियर शामिल होंगे और इसके बाद ये जांच एलडीए लखनऊ करेगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि जिस तरीके से प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें और कितने आरोपियों के नाम आते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार बड़ा है। अभी पांच इंजीनियरों के नाम ही सामने आए हैं, लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी, अपने अंजाम तक पहुंचेगी, बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, अपने पद का दुरुपयोग किया था और उन कंपनियों और फर्मों को लाभ पहुंचाया था। जो कंपनियां कुंभ मेले में काम कर रही थी, उनको अच्छी तरीके से काम करना था और बिना काम कराए ही बहुत सारे टेंडरों में पैसे निकाल लिए गए और कहीं पर काम अधूरा रहा, उन अधूरे कामों का भी पैसा निकाला गया, घटिया काम कराया गया। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी जांच है और जो प्रयागराज से ट्रांसफर होके लखनऊ आएगी, जहाँ पर एलडीए के अधिकारी और इंजीनियर इसकी जांच करेंगे। जी नरेंद्र यादव, खबरों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।